तो दोस्तों सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी एक बोल के हिसाब से बेसन। नाप से कहें तो ये 250 ग्राम है और हम इसमें जितना हमने बेसन लिया था उसी का हाफ ले लेंगे सूजी। नाप से कहें तो ये 150 ग्राम है। ये दोनों लेने के बाद जितना हमने सूजी लिया था उतना ही इसमें दही डालेंगे। दही आपको खट्टा वाला लेना है। अगर आपके घर में छाछ हो तो आप छाछ का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने इसको डाल दिया ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। पूरा पानी एक साथ मत डाल देना, नहीं तो इस टाइम पे इसमें लम्स बनेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके अगर आप डालेंगे तो इसमें लम्स भी नहीं बनेंगे और बहुत ही अच्छा आपका बैटर एकदम तैयार हो जाएगा। तब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा पानी और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। करीबन आधा बोल पानी और हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक लूँगी क्योंकि सूजी थोड़ी फूलेगी, इसलिए 10 मिनट के लिए इसे ढक लेते हैं। 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। अब आप देख ही सकते हैं ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया क्योंकि हमारी सूजी उठ चुकी है, मतलब सो के उठ चुकी है, तो ये अच्छे से ये फूल चुकी है। तो अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब दोस्तों उस बैटर को मैंने साइड में रख दिया। अब यहाँ पे मैंने इडली का मोल्ड लिया है, इसमें मैं तेल डालूंगी। आप चाहें तो ये ढोकला जो नॉर्मल ढोकला मोल्ड होता है उसमें भी बना सकते हैं, पर क्योंकि थोड़ी अलग दिखे इसलिए मैं इसे इडली मोल्ड में बना रही हूँ। आप चाहें तो ढोकले की रेसिपी मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैं सारी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि आप वो भी बना सकें। अब हम इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक, बेकिंग सोडा डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप इनो फ्रूट सॉल्ट का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून। अगर आपको अदरक मिर्ची थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट तेल। तो दोस्तों बैटर में तेल डालना लोग अक्सर भूल जाते हैं। तेल डालने से क्या होता है कि आपका ढोकला ना अंदर से सॉफ्ट बनता है। ज़्यादातर जब हम ढोकला खाते हैं तो वो जब ड्राई होता है ना, वो इसी वजह से होता है कि हमने उसमें तेल नहीं डाला है। तो 4 टीस्पून के हिसाब से हम इसमें तेल डाल देंगे और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये सारा प्रोसेस हम जल्दी में करेंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है, इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ये देखिए तो ये एकदम बैटर एकदम परफेक्ट तैयार है। अब हम इसे इडली वाले बैटर मतलब मोल्ड में डाल देंगे जिसे हमने ग्रीस किया है। ज़्यादा फिल करके नहीं रखेंगे क्योंकि ये फूलेंगे भी, इसीलिए मैं 1 चम्मच के हिसाब से भर रही हूँ और दोनों ही मैं मतलब जो स्टेंसिल है दोनों में भर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए स्टीमर को मैंने पहले से स्टीम कर लिया है और इस तरीके से भाप निकलनी चाहिए। अब हम इसमें हमारे दोनों स्टैंड लगा लेंगे तो, और इसको करीबन 25 मिनट्स के लिए अच्छे से स्टीम होने देंगे। 10 मिनट में इसे हाई फ्लेम में स्टीम होने दूंगी और 15 मिनट इसे लो फ्लेम में स्टीम होने दूंगी। जैसे ही ये स्टीम हो जाएंगे तो ये फूल जाएंगे। तो थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैं ऊपर और डाल देती हूँ। अब इसे मैं क्लोज़ कर लेती हूँ और करीबन 25 मिनट के बाद इसे हम खोल के देखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 25 मिनट हो चुके हैं और ये कितने फूल चुके हैं। एक नाइफ की सहायता से चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से बने हैं कि नहीं। तो ये बन चुके हैं। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी और उसके बाद ही इसे निकालूंगी। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है हम इसका तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए 1 चम्मच मैंने तेल लिया है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड सीड जिसे हम राई कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून के हिसाब से सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, तो हो तो ज़रूर डालना। चुटकी भर के हिसाब से हम इसमें डाल देंगे हींग। करी लीफ डाल देंगे, मैं करीबन 9 से 10 करी लीफ लेके आई हूँ तो ये डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च को इस तरीके से बीच से स्लिट कर लिया था और इसमें अच्छे से हम इसको चला लेंगे। Love me too.
2 कप के हिसाब से मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। अब हम इसे अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पे ये तैयार है, अब मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो जब ये ठंडा हो जाए ना तभी हमें इसे निकालना है। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमारा ढोकला बनकर तैयार है। आप देख ही सकते हैं इसके अंदर कितनी चालियाँ दिख रही है, तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा बना है। तो ये रेसिपी आप लोग एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, यकीन मानिए सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी। रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ मैं। सभी को एक थाली में निकाल के रख लेती हूँ और हम इसके ऊपर से तड़का डालेंगे। तो दोस्तों तड़का आप अच्छे से डालना ताकि अच्छे से ये ढोकले के अंदर जाए। तो ये जो तड़का है मैं एक एक करके सब में डाल देती हूँ। It's been so cold.